वेलकम एवरीवन एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के साथ साथ सेमेस्टर फिफ्थ में यानी डिग्री के सेमेस्टर फिफ्थ में जो कॉमन सब्जेक्ट है OHP, उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट है जिसके हम लोग लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आज के हमारे लेक्चर है, सब्जेक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे स्पेशली जो अलग अलग तरह की जो कास्टिंग प्रोसेस होती है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने तीन तरह की सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस का नाम सुनिए, उसी में आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यानी कोई चीज़ है, कोई मटेरियल है, उसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, हाँ क्या इन्वेस्ट करना है, मटेरियल इन्वेस्ट करना है। तो देखिए क्या है डिस्क्रिप्शन में, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करेंगे तो कि भाई जो वैक्स है उसको इन्वॉल्व करेंगे यानी इन्वेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग दी प्रोसेस जितना भी वैक्स हमने यूज़ किया होगा वो मटेरियल के साथ पिघल के लॉस्ट हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग रिफर टू दी क्लॉक और स्पेशल कन्वर्टिंग अपैरल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का मतलब क्या होता है तो कि क्लॉक और स्पेशल कवरिंग अपैरल, जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं अपैरल, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कास्टिंग को कपड़े पहनेंगे यानी उसका अपैरल है। इन टर्म्स ऑफ ऐसे बात की गई है, इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग दी क्लॉक इज रिफैक्टरी मोल्ड विच सराउंडेड टू प्री कोटेड वैक्स पैटर्न। वैक्स पैटर्न मस्ट बी मेड फॉर एवरी कास्टिंग एंड गेटिंग सिस्टम ऑल्सो एंड अ वैक्स पैटर्न इज इन्वेस्टेड बाई द लिक्विड मोल्ड मटेरियल विच इज़ लेटर अलाउड टू बी सेट एंड फॉर्म अ हार्ड लेयर अराउंड द पैटर्न। अ मोल्ड कैविटी इज देन ऑब्टेन बाई द मेल्टिंग द वैक्स पैटर्न। चलिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ, कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे लोग, तो कि बेसिकली हमको जो भी पैटर्न बनानी है या फिर जो भी कॉम्पोनेंट का हमको कास्टिंग करना है स्पेशली, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे तो कि वो जो कॉम्पोनेंट है जिसका हम लोग कास्टिंग करना चाहते हैं उसका पैटर्न हम लोग वैक्स से बनाएंगे, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न वैक्स का बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहले ऊपर के स्टेप में यहाँ पे किस तरीके से वैक्स का पैटर्न बनाया जा रहा है। तो जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस होता है उसकी मदद से हम लोग डाई के अंदर वैक्स का पैटर्न बनाएंगे, तो इसका पहला बेसिक स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप में पूरा आपको पैटर्न दिखा दिया है कि पूरा पैटर्न बना दिया अभी हमने वैक्स का, ये जो दिख रहा है वो पूरा वैक्स का रेडीमेड पैटर्न तैयार है जो हमने इंजेक्शन कास्टिंग से मोल्डिंग से बनाया है। अब नेक्स्ट क्या करना है तो कि ये जो वैक्स का पैटर्न है उसको हम लोग क्या करेंगे तो उसको हम लोग सैंड के अंदर क्या करेंगे, सैंड के अंदर अरेंज करेंगे, जैसे हमने नॉर्मली हम लोग करते थे किस में, सैंड कास्टिंग प्रोसेस में लकड़े की पैटर्न रखते थे, मेटल की पैटर्न रखते थे, बिल्कुल उसी तरह वैक्स का पैटर्न रखेंगे और सारी चीज़ों को क्या करेंगे उसके साथ असेंबल कर देंगे। फिर उसके बाद पूरे मोल्डिंग फ्लक्स को बंद करके हम लोग क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मोल्डिंग फ्लास्क को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब आप जब मोल्डिंग फ्लास्क को गर्म करोगे तो रेत तो पिघलेगी नहीं, बाहर का बॉक्स है मेटल का वो भी नहीं पिघलेगा, पिघलने वाला मटेरियल कौन है अंदर तो के वैक्स, वैक्स जल्दी पिघल जाता है। तो जितना भी वैक्स का पैटर्न होगा वो मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के बाद खुद ब खुद क्या करेगा, पिघल जाएगा, और पिघल के कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो उसको निकाल लो, निकालने के बाद क्या करो, जो भी अंदर आप देख सकते हैं अभी अंदर हमारा मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हो चुका है, कंपोनेंट का मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हो चुका है, क्लियर है। ऊपर आप क्या कर दीजिए, पोरिंग बेसिन बना दीजिए और यहाँ से
मेटल में पोरिंग बेसिन के अंदर, फर्नेस के अंदर जो भी मेटल पिघला है उसको लेडल से लाइए और पोरिंग बेसिन के थ्रू पैटर्न के अंदर या फिर जो मोल्ड कैविटी प्रिपेयर किया है उसके अंदर पोर करवा दीजिए, ठीक है। फिर उसको साइड पर रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। फिर आपको क्या करना है, तो कि ये जो मोल्डिंग बॉक्स के उसको खोलना है और अंदर हमारा जो भी मेटल पिघल के हमने डाला होगा उसका कंपोनेंट रेडी मिलेगा। क्लियर है? तो इसको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पैटर्न का शेप लाने के लिए या फिर पैटर्न बनाने के लिए या फिर कोई भी कंपोनेंट को कास्टिंग करने के लिए उसी कंपोनेंट का वैक्स का पैटर्न बनाया। और हमने क्या किया, तो कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस हमने वैक्स को इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्ट करने के बाद क्या पता चला, तो कि भाई जो भी वैक्स था वो मेटल के साथ पिघल के वही डिस्ट्रॉय हो गया, दोबारा हम उसको रिसाइकल करके यूज़ कर पाएंगे नहीं, तो इसलिए उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाई मेकिंग। क्लियर है? कुछ स्टेप दिए गए हमको, ये जो ऊपर हमने देखे ना स्टेप ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसका पूरा स्टेप दिया गया। सबसे पहले हमने डाई बनाया, तो पहला स्टेप था हमारा डाई मेकिंग। फिर उस डाई के अंदर हमने वैक्स का पैटर्न रेडी किया और गेटिंग सिस्टम अरेंज किया। फिर थर्ड स्टेप में हमने असेंबल किया वैक्स की पैटर्न को मोल्डिंग प्लास के साथ। फिर चौथे स्टेज में प्री कोटिंग, यानी हमने क्या किया, वैक्स के पैटर्न के ऊपर सिलिका का कोटिंग किया ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ मिले हमारी कैविटी को। फिर हमने क्या किया, मटेरियल को इन्वेस्ट किया, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद डेट मीन्स के जो हमने वो सिलिका ऐड किया, वैक्स ऐड किया वो। फिर हमने क्या किया, 200 डिग्री सेल्सियस तक प्लास को गर्म करके वैक्स को पिघल के मेल्टिंग करके वहाँ से निकाल लिया। और फाइनली जो भी मेटल था जिसको हमको कंपोनेंट बनाना था उसको 540 से 1040 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर पोर करवा दिया। फिर कंपोनेंट ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद उसको हमने मोल्डिंग फ्लास्क के बाहर निकाला, उसका फिर क्लीनिंग और इंस्पेक्शन हुआ, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी करेक्शन की ज़रूरत थी वहाँ पे थोड़ा स्लाइटली मशीनिंग करके उसको करेक्ट कर दिया, क्लीनिंग कर लिया, ठीक है। उसके लिए सैंड ब्लास्टिंग, ग्राइंडिंग प्रोसेस, फाइलिंग प्रोसेस, ढेर सारी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस यूज़ होती है। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जिसके अंदर हम लोग वैक्स यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट उसके एडवांटेजेस। अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे तो बेटर डाइमेंशनल एक्यूरेसी विद क्लोज टॉलरेंस कैन बी अचीव। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से जो कंपोनेंट बन के आएंगे उसके अंदर हमको डाइमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी और जो डाइमेंशन की जो टॉलरेंसेज है यानी कि जो छूट छाट दी जाती है वो भी अच्छी तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड शेप एंड कॉम्प्लेक्स काउंटर्स कैन बी ईजिली कट। देखिए कास्टिंग में यह कई बार प्रॉब्लम होता है कि अगर काउंटर शेप आ जाता है, कॉम्प्लेक्स शेप आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग कास्टिंग प्रोसेस नहीं कर पाते। लेकिन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की वजह से अभी जो चाहे जैसा भी चाहे कॉम्प्लेक्स शेप हो या फिर उस डिज़ाइन का कॉम्पोनेंट हो उसको हम लोग कास्ट कर सकते हैं। बॉडी पतले सेक्शन, एक्सट्रीमली थीन सेक्शन अप टू 0.75 mm, ना बहुत ही पतली पतले थीन सेक्शन होगी, पट्टियाँ होगी जिसको हमको कास्टिंग करके बनाना है अप टू 0.75 mm, उसको हम लोग कास्ट कर सकते हैं। सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग इज़ वेरी हाई। जो सब कंपोनेंट बनेगा उसका सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा होगा, रेयरली आपको फिनिशिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, सिर्फ क्लीनिंग प्रोसेस से काम हो जाएगा। कास्टिंग आर साउंड एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। कास्टिंग दिखने में अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज अच्छा होगा और डिफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलेगी या फिर होगी ही नहीं डिफेक्ट। क्लियर है? अब देखिए ढेर सारे फायदे हैं, इतना अच्छा प्रोसेस बन गया है, डेवलप हो चुका है, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होनी चाहिए क्योंकि साइंस है, टेक्नोलॉजी है। देखिए लिमिटेशन में क्या बात कर रहे हैं, साइज ऑफ द कास्टिंग टू बी मेड इज़ लिमिटेड। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा जायंट ऑब्जेक्ट आपको बनाना है बड़ी साइज़ का तो वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बन जाएगा, नहीं, क्योंकि उसकी डाई ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमको डाई बनाना है, डाई डिज़ाइन करना है। तो लिमिटेड साइज़ के जो कंपोनेंट होते हैं या फिर साइज़ की जो लिमिटेशन है वो थोड़ा डिसएडवांटेजेस में आएगा।
सूटेबल ओनली फॉर स्मॉल साइज कास्टिंग। अगर छोटी साइज़ के कंपोनेंट बनाने हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही सूटेबल प्रोसेस है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। मोल यूज़ आर सिंगल पर्पस ओनली। जो भी मोल यूज़ करेंगे वो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ होगा, सिंगल पर्पस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग वैक्स और सिलिका का भी यूज़ करने वाले हैं। फिर आप बोलोगे अभी तो वैक्स वाला यानी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस बंद है, तो उसका मटेरियल हम लोग सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग में यूज़ कर लेते, चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज़ हाई। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको वैक्स को कास्ट करने के लिए डाई बनाना पड़ता है, और डाई ज़्यादातर बनता है स्टील में से, और स्टील आता है महंगा। ऊपर से उसको ऊपर मशीनिंग प्रोसेस करके उसको शेप क्रिएट करना, तो स्टील का मशीनिंग भी थोड़ा हार्ड होता है, उसका भी खर्चा ज़्यादा होता है। तो ऑल ओवर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जो है मटेरियल का वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वैक्स भी एक ही बार यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टोटल 7 से 8 स्टेप हो रहे थे, है ना, 8 स्टेप को फॉलो करके पूरा प्रोसेस हो रहा था, और सब स्टेप के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सफिशियंट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्लियर? कोई बात नहीं, एज अ इंजीनियर, एज अ टेक्निकल पर्सन हम समझ सकते हैं कि भाई होता है लिमिटेशन। अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ यूज़ होगा? एरोस्पेस इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंजन, फ्रेम्स, फ्यूल सिस्टम, उसके जो कंपोनेंट है वो इस प्रोसेस से बनेंगे। फिर जो फूड और बेवरेजेस के मशीन होते हैं, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री, बेवरेजेस का मतलब क्या होता है? ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, लिक्विड जो हम लोग पीते हैं रेडीमेड, वो। कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जैसे आपका हार्ड ड्राइव है, आपका कंप्यूटर का पैनल है, मदरबोर्ड का पैनल है, लैपटॉप कंप्यूटर का बॉडी है, ठीक है। मशीन टूल एंड एसेसरीज, स्पेसिफिक कुछ मशीन टूल है, बहुत सारे मशीन टूल यूज़ होते हैं अलग अलग जगह पे, और मशीन की जो एसेसरीज है वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनती है। उसके साथ साथ नोज़ल कहाँ पे यूज़ होती है ज़्यादातर? तो कि भाई नोज़ल ज़्यादातर यूज़ होती है फ्लूड फ्लो इंजीनियरिंग के अंदर। फिर बकेट और ब्लेड्स, बकेट और ब्लेड कहाँ यूज़ होंगे? टर्बाइन में, पावर प्लांट में, ठीक है। देखिए एग्जांपल भी दिया है, फॉर एग्जांपल गैस टर्बाइन के नोज़ल, उसके बकेट और ब्लेड बनाने के लिए, ठीक है। फिर कस्टम ज्वेलरी, कस्टम ज्वेलरी यानी कस्टमाइज ज्वेलरी, किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ यही पर्टिकुलर डिज़ाइन करके ज्वेलरी बनानी है, मेरे को ज्वेलरी में यही डिज़ाइन चाहिए, ऐसी कस्टमाइज ज्वेलरी बनाने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा एक प्रकार का या फिर एक कास्टिंग प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। फिगर, स्टेप, डिस्क्रिप्शन, एडवांटेजेस, लिमिटेशन और एप्लीकेशन के साथ हमारा ये थियरी ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। क्लियर? अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली कास्टिंग प्रोसेस होगा? तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस वर्क करता है। तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो कि भाई जो मेटल है वो पिघल के आता है, ठीक है, फिर उसको शेप देने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई जो रोलिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ते थे, हॉट रोलिंग प्रोसेस, उसमें क्या होता था? तो कि भाई लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप और डाउन, ऐसे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रोलर होते थे, जो मेटल के या फिर वर्क पीस जो गर्म होता था उसको शेप देते थे। बस बिल्कुल उसी तरह आपको यहीं पे काम करना है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस में, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सरे, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाया है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आर्गन गैस एंटर होगा, ऊपर से हम लोग मोल्टन मेटल को पोरिंग करवा रहे हैं, ठीक है। चैम्बर को ठंडा करने के लिए यहाँ से हम लोग ने कूलिंग वाटर का सप्लाई चालू किया है, ओके। अब सारा मेटल जो है पिघला हुआ वो इस चैम्बर के थ्रू आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सरे की मदद से उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, ऊपर से पिघला हुआ मेटल लिक्विड स्टेट में आगे बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा डाई के थ्रू, ठीक है, डाई की जो दोनों साइड की दीवार है
वहाँ पे हमने कूलिंग वाटर का सप्लाई चालू रखा है, तो जैसे जैसे कंपोनेंट आगे बढ़ेगा तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी उसका सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा। हाँ, लेकिन इतना सॉलिडिफिकेशन नहीं हो जाएगा कि वो एकदम हार्ड बन जाए, सिर्फ ऊपर का जो लेयर है, बाहरी लेयर है, वो थोड़ा ठंडा होकर शेप लेने लगेगा। उसी टाइम पे वो आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे रोलर, रोलर क्या करेंगे तो कि उसको कंप्रेस करके जो भी बेसिक शेप देना है वो शेप देंगे। ठीक है, जैसे ही शेप वो आ जाएगा, जैसे ही रोलर उसको फाइनल शेप दे देगा, उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे जो ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस है, ठीक है, वहाँ से कंपोनेंट को कट कर लेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस है, बहुत ही लंबे लंबे सेक्शन बन के निकलेंगे। ठीक है, तो अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट है। ठीक है, पहला आपने प्रोसेस चालू किया, आपका एक कंपोनेंट है वो सारी प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ते गया। आपने कंपोनेंट का लेंथ डिसाइड कर दिया कि भाई कंपोनेंट का लेंथ 6 मीटर होना चाहिए, हर कंपोनेंट 6 मीटर के बाद कट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट आगे बढ़ा 6 मीटर तक पहुँचा ना, जैसे ही 6 मीटर तक पहुँचेगा ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस क्या करेगा तो कि ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस उसको कट कर देगा, फिर वापस कंपोनेंट आगे बढ़ेगा, फिर 6 मीटर के बाद कट हो जाएगा, फिर वापस आगे बढ़ेगा, फिर 6 मीटर के बाद कट हो जाएगा। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस को यूज़ किया है फॉर दी कटिंग ऑफ दी ऑब्जेक्ट आफ्टर दी सफिशियंट लेंथ। क्लियर है, तो रोलिंग प्रोसेस जैसा ही है, बेसिकली कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। कहाँ यूज़ होगा तो कि भाई स्क्वायर सेक्शन है, हेक्सागोनल सेक्शन है, गियर टूथ है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रेस्ट सेक्शन है उसको बनाने के लिए, फिर जो ब्लूम्स बिलेट स्लैब सीट्स आती है उसको बनाने के लिए। ठीक है, मटेरियल कौन से कास्ट हो सकते हैं तो ब्रास, जिंक, कॉपर, उसके एलॉय, एल्यूमिनियम और उसके एलॉय, एलॉय स्टील, सारे मटेरियल को हम लोग कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस से कास्ट करके उसके कॉम्पोनेंट बना सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। आज हमने दो इम्पोर्टेंट थियरी डिस्कस कर ली है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस एंड कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। तो उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिगर जो दी गई है, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।